हेलो फ्रेंड, नमस्कार। टेक्नोलॉजी चैनल का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि जैसे किसी भी हम फोटो या किसी भी इमेज को जैसे हम उसके नीचे डेट या फिर नाम एडिट करना चाहते हैं तो उसको कैसे एडिट करते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे PEB का टेम्पलेट जो होता है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या होता है, हमारे पास ओल्ड फोटो होता है तो उसके लिए हमें क्या होता है, उसके लिए नई डेट और तीन महीने पुरानी डेट और उसके अंदर चाहिए होती है। तो उसको आप बार बार तो उस फोटो की आवश्यकता नहीं आपको होगी। फोटो को एडिट कैसे कर सकते हैं, उसकी डेट और नाम कैसे ले सकते हैं, आपको बहुत ही सिंपल टेक में आवाज समझाएंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ओपन करना है पावर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जैसे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रही होंगे, आपको जाना होगा लेआउट में, जैसे कि मैं जा रहा हूँ लेआउट में, ठीक है। लेआउट में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना होगा ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो ब्लैंक स्क्रीन है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको जाना होगा इंसर्ट वाले ऑप्शन पर, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, क्योंकि जो भी हमें इमेज है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो आप सबसे पहले आपको जाना होगा इंसर्ट में, इंसर्ट में जाइए, यहाँ पर आपको जाना होगा पिक्चर ऑप्शन पर, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको जिस भी इमेज की आपको यहाँ पर डेट या नेम इसके अंदर चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पर से आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं जिस इमेज मेरे को नाम ये कलेक्शन करना है, यहाँ पर सबको मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लेना है जैसे मेरी इमेज, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस इमेज के नीचे यहाँ पर नाम और फोटो डेट दोनों डालनी है, ठीक है। तो आप क्या करना है, इंसर्ट वाला ऑप्शन पर जाइए, यहाँ पर आप आपको दिखाई दे रहा होगा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में जाइए, उसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए। एक बार क्लिक करने के बाद आप जहाँ पर भी आपको यहाँ पर टेक्स्ट या डेट लिखनी है, इतने इतने आप बॉक्स को आप यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए। माउस को दबा के रखिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड वाले माउस को दबा के रखिए और छोड़ दीजिए। जैसे छोड़ते हैं आपके सामने ऐसा कुछ बॉक्स टाइटल जैसा दिखाई देगा, यहाँ पर आपको आप टाइप करना है जो भी नाम सामने वाले का, जैसे मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा नाम है यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है। अब इसको अपना बेस सेंटर में मेरे को इसको करवाना है, ठीक है। तो बेस सेंटर में करने के लिए इसको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे इसको पकड़ के सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सेंटर का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो सेकेंड नंबर का ऑप्शन सेंटर वाला, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये सेंटर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद जैसे हमें यहाँ पर इसके नीचे डेट भी लिखना है, इस बार नाम के सबसे नेम के लिस्ट लास्ट में जाइए, फिर इंटर करिए। इंटर करने के बाद क्या होगा कि आप जस्ट नेम के जस्ट नीचे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना डेट, जो भी डेट आप शो करना चाहते हैं, जिसमें डाल देता हूँ 30/10/2020, ठीक है। और इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर आप इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, इसको बोल्ड में दे दीजिए आप इसको। तो हमने इसको बोल्ड कर दिया है। उसके बाद इसको यहाँ पर आप इसको इसकी जो साइज है फॉन्ट साइज वो भी चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर से आप मैन्युअली चेंज कर सकते हैं इसकी फॉन्ट साइज, जितनी भी आप इसकी फॉन्ट साइज रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप फॉन्ट टेक्स्ट जो है थीम के फॉन्ट की थीम है वो भी चेंज कर सकते हैं, देखिए, जैसे कि हम जैसे ये थीम है। उसके बाद एरियल है, ठीक है, तो हम इसको एरियल रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा इसको यहाँ खींच दीजिए। बिजनेस क्या हुआ कि आपकी जो भी ये है नेम वगैरह सिस्टमेटिक जम जाएगा इसमें, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है कि हमको इस फोटो में और नेम में इसको बैकग्राउंड में बॉर्डर देनी है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ड्राइविंग टूल में रेक्टेंगल सेलेक्ट करिए इसको, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको जितने जितने पोर्शन का यहाँ पर इसको देना है, इसको पर सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मुझे इतने इतने पोर्शन का इसमें देना है, ठीक है, बॉर्डर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके यहाँ पर और यहाँ पर आप माउस को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी वोल्टेज सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है शेप फिल, शेप फिल जाने के बाद यहाँ पर आप कर दीजिए इसको नो फिल। नो फिल जैसे करेंगे आपकी जो बॉर्डर है वो आपके यहाँ तैयार हो चुकी है, पर अभी बॉर्डर जो है हमारे ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। इस बॉर्डर को आपको क्या करना है कि शेप आउटलाइन जाना है। शेप आउटलाइन जाने के बाद यहाँ पर आपको ब्लैक कलर जो है चूज़ कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपने किसी भी ऑनलाइन वर्क के लिए या फिर दैनिक जीवन में डेली यूसेज में
या फिर PEB का टेम्पलेट बनाते हैं उसमें, या फिर अदर किसी वर्क के लिए आप आसानी से इस फोटो के अंदर नेम और डेट डाल सकते हैं। अब इसको आप सेव कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। आप क्या करिए इसको कि अब आपको इसको माउस को कहीं पर भी क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको Ctrl+A, Ctrl+A करने से क्या होगा कि जितने भी इसमें हमने लेआउट सेलेक्ट कर रखे हैं दोनों वो सेट हो जाएंगे। उसके बाद कहीं पर भी आप जैसे दोनों में से फोटो भी आइए, उसके बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देता है ग्रुप का, तो ग्रुप में जाने के बाद इसको आप ग्रुप कर दीजिए। ये क्या होगा जो हमारा पूरा फोटो है, ठीक है, देखिए दोनों ग्रुप में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके बाद आप क्या करना है कि आपको फिर से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको क्या होगा कि हमको इसको JPG फॉर्मेट में सेव करना है। तो यहाँ पर से अगर डायरेक्ट सेलेक्ट सेव करते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि JPG फॉर्मेट में सेव नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ से राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव एज पिक्चर ऑप्शन क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आप इसे सेव करना चाहते हैं वहाँ पर इसको लोकेशन दे दीजिए। जैसे डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ पिक्चर 1 के नाम से, और आप यहाँ पर सेव एज टाइप में JPG कर दीजिए। तो JPG करने में क्या होगा कि हमारी इमेज जो है JPG में सेव हो जाएगी। यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। तो मैं जो कि डेस्कटॉप पर पिक्चर के नाम सेव करी हुई है, तब देख सकते हैं जो हमारी इमेज थी, ठीक है, वो JPG में कन्वर्ट हो चुकी है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए कि हमारे चैनल पर नए नए टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल संबंधित पोस्ट डलती रहती है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, धन्यवाद।